जैसा कि सबको पता होगा कि जुजुत्सु काइसेन की एक नई मूवी आने वाली है जो कि एक प्रीक्वल है, मतलब कि वो मेन सीरीज से एक साल पहले की स्टोरी है। और अभी सब सोच रहे होंगे कि युता ओकोत्सु अगर एक साल पहले उसकी स्टोरी ली गई थी तो अब वो कहां पर है, वो एनीमे में हमें दिखा क्यों नहीं। मैंने फिर से खोजबीन करी थोड़ी सी और मुझे पता चला कि उसका नाम एक्चुअल में लिया गया है एनीमे में। और बस नाम नहीं पर जुजुत्सु काइसेन की सेकंड ओपनिंग में और एक एपिसोड में जब पांडा वर्सेस रोबोट होता है उस समय उसे दिखाया जाता है युता ओकोत्सु को एनीमे में। और बस युता नहीं पर एक और आदमी है जिसने हम लोग ने कभी देखा नहीं, उसका नाम मिगुएल है। वो एक अफ्रीकन है जो कि हमें सेकंड ओपनिंग में भी देखने को मिलता है युता ओकोत्सु के साथ, जिसके साथ वो ट्रेनिंग करता रहता है। वैसे ही हमें युता ओकोत्सु कभी एनीमे में दिखा नहीं क्योंकि वो बाहर है अभी, वो मिगुएल के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है अफ्रीका में। अब मुझे ये सब का पता चला CBR के थ्रू, सो थैंक्स टू देम। पर यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, मुझे और पता चला, मैंने थोड़ी सी और खोजबीन करी और मुझे पता चला कि युता ओकोत्सु एक नॉर्मल सॉर्सर टाइप नहीं है, इनफैक्ट उसमें और ज्यादा कर्ज एनर्जी है, गोजो सातारो से भी ज्यादा हो सकती है। इनफैक्ट उसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सर बोला गया है और वो गोजो सातारो को भी पार कर सकता है। और मांगा में मुझे पता चला, मैं ज्यादा मांगा पढ़ता नहीं पर मुझे पता चला मांगा में शायद कुछ चैप्टर हो रहा है, शायद कुछ द शिबुया इंसिडेंट के बाद युता ओकोत्सु को इस आर्क के बाद शायद इंट्रोड्यूस कराया जाएगा मांगा में, पर मैं उतना पढ़ता नहीं तो मुझे उतना पता नहीं, पर हाँ जो भी है। और वैसे ही देखा जाए तो उसका नाम लिया गया है आने में बहुत बार, और इनफैक्ट मैग्यूमी बोलता है कि युता उनमें से एक है जिसे वो रिस्पेक्ट करता है, वही कैरेक्टर जिसे किसी से लेना देना नहीं है पर ओकोत्सु को वो रिस्पेक्ट करता है, तो उसे मैं एक प्लस पॉइंट मानता हूँ ओकोत्सु के लिए। और जब जुजुत्सु काइसेन का season 2 आएगा और उसमें ओकोत्सु को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तब शायद हमें युता ओकोत्सु वर्सेस यूजी इतादोरी देखने को भी मिले। लेकिन आई थिंक ये ऑब्वियस है कि यूजी इतादोरी ओकोत्सु से हार जाएगा क्योंकि हमें पहले से पता है कि वो कितना पावरफुल है, इनफैक्ट वो गोजो सातारो को भी टक्कर दे सकता है। तो बस इतना ही वीडियो के लिए, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया, देखते हैं मूवी में क्या मिलेगा हमें।